कोई अस्पताल जाए और उसका इलाज करने के लिए झूला ठाप डॉक्टर आया और वो भी यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने लगे तो आपका क्या होगा। ऐसा हुआ है बिहार के सारण में, देखिए रिपोर्ट। यूट्यूब से देखकर कर दिया ऑपरेशन, झोला छाप ने 15 साल के नाबालिग की ले ली जान। यूट्यूब से सीख, चीर दिया बच्चे का पेट। ये दौर सोशल मीडिया का है। खाना बनाना सीखना है तो सोशल मीडिया, पढ़ाना सीखना है तो सोशल मीडिया, योग सीखना है तो सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया से टीचर बन रहे हैं, शेफ बन रहे हैं। और तो और, हद तो बिहार के सारण में हो गई। एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर ऑपरेशन कर दिया और ले ली 15 साल के नाबालिग बच्चे की जान। पथरी हो गया था, बीत में लेकर के उल्टी कर रहा था, उसमें हुआ कि जिससे भर्ती कर दिया, उल्टी रुक गया, बहुत अच्छा हो गया। हम बोले कि साहब छोड़ दीजिए, मेरा पैसा नहीं है तो नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं साहब, ऑपरेशन का पैसा नहीं है। ऐसे हड्डों से सब लोग ऑपरेशन किया है तो हम सोचे कि ऑपरेशन कराने से अच्छा नहीं है, क्योंकि दिल का ऑपरेशन है। ऑपरेशन कर दिया मोबाइल से देख कर, ठीक है ना। हमको बैठा दिया पहले डीजल आने के लिए, तो हम डीजल आने चले गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेशन आया था, जो बोल रहा है कि चलो पथरी देख लिया। बच्चे को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। पिता चंदन शाह अपने बेटे गोलू को गणपति सेवा सदन नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। सोचा डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। जहां खुद को डॉक्टर बताने वाले अजीत पुरी ने इलाज के नाम पर बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, जिसे लेकर परिवार ने डॉक्टर अजीत पुरी को शिकायत की तो डॉक्टर उल्टा परिवार को धमकाने लगा। गोलू की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर अजीत पुरी ने एम्बुलेंस से पटना के दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में बच्चे को पहुंचा दिया। जहां हालत खराब हुई तो बच्चे को वहीं छोड़ डॉक्टर फरार हो गया और बच्चे की मौत हो गई। हम जब घर से आए तो देखें कि बराबर मोबाइल देख रहा है, यूट्यूब की हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। उसके बाद में हम पूछे कि डॉक्टर साहब लड़का को दर्द हो रहा है, इसको क्या किया जाता, तू ही डॉक्टर है। तो हम बोले कि सर ही बताइए कि बड़ा ऑपरेशन चाहे छोटा ऑपरेशन करने के बाद में दर्द नहीं होता है, ये तो लड़का दब हो रहा है। मामले में सवाल तब उठे जब पिता चंदन शाह ने कहा डॉक्टर झोला छाप है और यूट्यूब में देखकर ऑपरेशन कर दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई। पथरी हो गया था, बीत में लेकर के उल्टी कर रहा था, उसमें हुआ कि जिससे भर्ती कर दिया, उल्टी रुक गया, बहुत अच्छा हो गया। हम बोले कि साहब छोड़ दीजिए, मेरा पैसा नहीं है तो नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं साहब, ऑपरेशन का पैसा नहीं है। ऐसे हड्डों से सब लोग ऑपरेशन किया है तो हम सोचे कि ऑपरेशन कराने से अच्छा नहीं है, क्योंकि दिल का ऑपरेशन है। ऑपरेशन कर दिया मोबाइल से देख कर, ठीक है ना। हमको बैठा दिया पहले डीजल आने के लिए, तो हम डीजल आने चले गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेशन आया था, जो बोल रहा है कि चलो पथरी देख लिया। ऑपरेशन किया, उसका नाम क्या है? अजीत कुमार पुरी। वो डॉक्टर है क्या? है डॉक्टर कुछ नहीं है, झोला छाप है। झोला छाप है तो फिर उसके यहाँ आप लोग क्यों लेके गए? उल्टी करने के लिए, खाली रुकने के लिए। ऑपरेशन कर दिया? यहाँ ऑपरेशन कर दिया। परिवार का आरोप है कि YouTube पर देखकर बच्चे का ऑपरेशन किया गया। जब झोला छाप ने ऑपरेशन किया तो परिवार को बताया नहीं, पिता को डीजल लेने के लिए नर्सिंग होम से बाहर भेज दिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया और वहां उसे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चे का परिवार अब डॉक्टर को झोला छाप बता रहा है, साथ ही कह रहा है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला अरुण पुरी झोला छाप है और फर्जी नर्सिंग होम चलाता है। वहीं परिवार ने मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि देश में डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते इस तरह के झोला छाप डॉक्टर लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। यानी हालात ये हो चले हैं कि अब ये झोला छाप इंटरनेट पर देखकर लोगों के ऑपरेशन कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं, परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर महोबा से, जहां गुंडा टैक्स वसूला जा रहा था और यह गुंडा टैक्स वसूलने वाला कोई गुंडा या बदमाश नहीं, महोबा से सपा सांसद का
बेटा है जो गुंडा टैक्स वसूल रहा था। बताया जा रहा है कि जो बालू लदे ट्रक थे उनसे टैक्स वसूली की जा रही थी। इस दौरान दो गुटों में झड़प होती है और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब छानबीन शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अरे गाली देगा। सत्ता की हनक जब सिर चढ़कर बोलती है तो शायद ऐसा ही होता है। यूपी में वैसे तो योगी बाबा का शासन चल रहा है, लेकिन यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है। आरोप ये कि गुंडा टैक्स नहीं देने पर सांसद के बेटे ने ट्रक ड्राइवरों से मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी कि सांसद के बेटे ने जान से मारने की धमकी दी। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाठकपुर पुलिया के पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं, जिससे वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने विवाद को शांत कराया। उक्त घटना से संबंधित एक तहरीर थाना पनवाड़ी में प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना पनवाड़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने आरोप लगाया कि बालू माफिया कृष्णकांत पाठक ने सांसद के बेटे के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, सांसद प्रतिनिधि सुरजीत यादव ने केस को फर्जी करार तक दे दिया। पुलिस प्रशासन ने कृष्णकांत पाठक के साथ मिलकर के हम लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए हैं, जो भी धाराएं लगाई हैं, जिस सारी की सारी धाराएं पुलिस प्रशासन और के पाठक के षड्यंत्र मिली भगत के कारण धाराएं लगी हैं और सारी की सारी धाराएं फर्जी हैं। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, आरोप एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच से साफ होगा कि आखिर सांसद के बेटे ने दबंगई की या फिर मामला कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।